थोड़ा सा इधर आ जाओ, तुम खुली हो, पी लो। अब ये यूज होगी जैसे बुलाने पे आएगी। ये बच्चा देने वाली है, सेकंड लैक्टेशन, अभी वैसे टाइम है इसको, और काफी अच्छे इसके पॉइंट है। आज ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ भी बारिश आ जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि कल के दिन में नहीं थी इतनी ज्यादा बारिश। कल उपलेटा साइड, धोराजी उपलेटा उस तरफ बहुत ज्यादा बारिश है, जहाँ पे रामो रहता है वहाँ पे भी 10-12 इंच बारिश हुई है, और पूरी नदियाँ आ गई, भादर फुल जा रही थी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं थी कल की बारिश, आज शायद आए ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरा अभी भी अंधेरा अंधेरा है, दिन कहीं पे भी नहीं दिख रहा। तो हमारी थार आ गई है वापस अभी ओम को स्कूल छोड़ के, और अभी हम आपको दिखाते हैं हमारी नई गाय। शायद लखू भाई भी आ गए, लखू भाई आए, वाली बहन को भी शायद देखनी है हमारी नई गाय। तो गाय जो बाबा हमारी स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी, थोड़ी थोड़ी रात से है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन रामदेव सब गए थे वहाँ पे कल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है। यहाँ पे क्लीनिंग में दो लोग लगे, वस्ता भाई है उधर और भारती यहाँ पे नई गाय, जिसका नाम रखा है टीलू, क्योंकि इसको भी जैसे टीलू को ऊपर था, टीलू को यहाँ पे था, तो इसको यहाँ पे है राउंड वाला व्हाइट वाला, और बहुत शांत लग रही है हमारी ये नई गाय। ये बच्चा देने वाली है, सेकंड लैक्टेशन, अभी वैसे टाइम है इसको, और काफी अच्छे इसके पॉइंट है, और बहुत शांत है, वरना एक दो दिन तो वो अनजाने लोगों के पास वो करती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रही है। और मुझे ना इसका ये कलर बहुत पसंद है गायों में, ये वाला खास करके, ये गाय रामदेव ने फोटो में देख के बता दी थी कि मुझे ये लेना ही है, फिर देखने गए कल बारिश में, और इसको देखने के लिए बहुत वेट करना पड़ा, क्योंकि दूसरी जगह वो भरने गए थे, वहां पे वो लोग फंसे थे उनकी, मतलब जो बोले थी वो, तो फिर हमने बहुत वेट किया 3 घंटे में, और शाम को पहुंचा मैं, मतलब उसको नीचे उतारा, चलाया, देखा मैंने, चलो ले ही लेते, इसको टाइम है अभी बच्चा लेने में, बहुत टाइम है, लेकिन शायद 1 महीना निकल जाए, हाँ, या 10-15 दिन, 15-20 दिन, 20 दिन मुझे लग रहा है, लेकिन फिर 5 दिन और भी लग सकते हैं, तो 25 दिन, और 5 दिन और लग जाए तो फिर 1 महीना, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई जल्दी नहीं है। अभी हमारी तुलसी और जो गंगा है वो दूध दे रही है, वैसे मुझे लग रही थी गंगा की साइज की, लेकिन गंगा से बड़ी है, गंगा से बड़ी है, हाइट में थोड़ी बड़ी है, उम्र में छोटी है, और आभा बीरा इस साइड में, तुलसी भी वहाँ पे है, क्योंकि वो तीनों साथ में रहती है, ये इन दोनों को साथ में रखेंगे अभी के लिए, और बछड़िया हमारी वहाँ पे प्रोडक्शन करवाने में थोड़ा यहाँ पे सुपरविजन में रहना पड़ेगा, और अभी ये बेबी आने वाला है तो थोड़े दिन इसको अलग ही रखना पड़ेगा वैसे भी, लेकिन बेबी को आने में अभी काफी टाइम लग रहा है, और प्रिडिक्शन भी करके देता हूँ आपको, बछड़ी आएगी लग रहा है, क्योंकि इतना पेट मोटा हुआ नहीं है, और सारा कुछ इसका देख के लग रहा है कि बछड़ी आएगी, फुटबॉल टाइप नहीं है इसका पेट, वाटरमेलन टाइप है, और दूसरे भी कुछ चीजें देखनी होती है, जैसे ये ज्यादा तगड़ी ना हो, वैसा कुछ, किस साइड में बैठती है, बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारा, पानी कितना कैसे पीती है नहीं पीती वो सारा, लेकिन अभी के लिए इसका देख के 90% लग रहा है कि बस मिल जाएगी। टीलू जो है हमारी शांत है, काफी शांत है, तो इसका टीलू भी टीलू जैसा ही है, धीरे धीरे हमें भी इसका नेचर पता चलेगा, क्योंकि हमारी हर एक गाय का और हर एक गाय का, सभी गायों का अलग अलग नेचर होता है, देखो जैसे गंगा का है ना, गंगा को अगर हाथ नहीं फेरोगे ना तो वो मारेगी, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मारेगी ऐसे, सिर हिलाती है, ऐसे करो, लगा के बाद में पसीना गंगा, यहाँ पे ये तीनों है, आभा जो कि बहुत लाडली है और वहाँ पे ही खड़ी रहती है जहाँ पे खाना डालते, और ये इसकी आदत है दोनों माँ बेटी की, मीरा भी ऐसे ही है,
और तुलसी, तुलसी अभी भी दूध दे रही है। मुनी आ गया। अबा, ए अबा। और ये हमारी मीरा, मीरा का तो एक अपना अलग ही लुक है। और मेरी वन ऑफ फेवरेट, और इसको हमने छोटी सी तब से यहाँ पे है तो सबकी लाग ली है मीरा। और डोन भी है खुद, इसका राज चलता है यहाँ पे पूरी गौशाला में। ताती ने फाइनली क्लीनिंग कर लिया, अभी हम चूना डाल देंगे इसके ऊपर ताकि मक्खियाँ थोड़ी कंट्रोल में हो। और चूना अच्छा है, एंटीबैक्टीरियल होता है। रोज अभी डालना ही है यहाँ पे। हाँ। और એમાં નાખી દેવું હા વધારે શૂનો આખાઈમાં એક બે દિન કાયમ સટાઈ ને તો સારું એટલો મારો દે બસ એ અમારી ગોપી ઓર રાધા હૈ और ये हमारी होम ब्रीड बोल सकते हैं, गोपी स्पेशली। तो हो गई होम ब्रीड में आभा एंड गोपी, क्योंकि हमारे यहाँ ही जन्म है इसका। राधा का तो नहीं है, लेकिन राधा भी छोटी सी तब से हमारे पास आ गई। मीरा भी छोटी सी तब से आ गई। तो हाँ, क्योंकि इसको पहले जब हम लाए तब कम दूध पिलाया जा रहा था, फिर हमने यहाँ पे दूध पिलाना स्टार्ट किया। गोपी भी दूध पी रही है अच्छे से। और जो दो आंचल का दूध होता है वो हम निकालते हैं। अभी तो एक आंचल का दे रहे हैं ना शायद, अभी एक आंचल का पी जाती है वो। और राधा को तो अभी बंद भी कर दिया है, इसको अभी जरूरत नहीं है दूध की इतनी, ये खाना खा लेती है अच्छे से, क्योंकि ये बड़ी हो गई है, ऑलमोस्ट एक साल की होगी अभी, दस महीने की हुई है। और अभी सीव छोटा है ना, तो इतना टाइम नहीं मिलता, वरना गायों का काम करने अच्छा लगता है। स्पेशली और स्पेशली पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो और अच्छा लगता है। हम करेंगे दो तीन साल बाद वापस स्टार्ट। और फिर अभी हम गाय एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारी गौशाला का नाम भी कुछ सोचेंगे। मीरा फार्म ही रहेगा, मीरा फार्म रहेगा, शिवम मतलब शिवम फैमिली फार्म तो है ही, लेकिन मीरा फार्म रहेगा, मीरा गौशाला, क्योंकि मीरा के ऊपर से होगा नाम। तो सजेशंस बहुत सारे आएंगे। हाँ, लेकिन शिवम फैमिली जो हमारा नाम है ऑलरेडी, जिससे हमें जानते हैं लोग गौशाला वोमेन फैमिली से। हाँ, लेकिन मीरा गौशाला या मीरा फार्म हो सकता है, क्योंकि मीरा हमारा फेवरेट नेम है, मेरा भारती का सबका। हाँ, और हमने डिसाइड किया था कि अगर हमें बेटी होगी तो उसका नाम मीरा होगा। रखना था हमारी गाय थी, लेकिन फिर भी हमें मीरा रखना ही था, पक्का ही था, लेकिन फिर शिव आ गया तो शिव रख दिया। हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि खोल रहे हमारी टीलू को और देखते क्या करते दोनों। हमें नहीं लगता कुछ फाइटिंग होगी, क्योंकि दोनों शांत है तो नहीं होगी फाइटिंग। वैसे गंगा इतनी शांत नहीं है, गंगा ना चुगली खोल रहा है, ये वही करती है मीरा के साथ, मीरा की चुगली करेगी फिर मीरा मारेगी। ऐसे बच्चे नहीं होते जो उसकी इमेज बहुत अच्छी होती है, शांत होता है, लेकिन कभी कभी मस्ती करते हैं। अभी भी दोनों को नहीं पता कि इसको खोल दिया, अभी पता चल गया एकदम बीच में दोस्ती। हाँ, वो भी दोनों थोड़ा सा एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देगी। और वो ना बंधी हुई गाय है, उसको खुला रहने की पता ही नहीं है कैसे खुला रहते, तो वो अभी तो एक जगह पे खड़ी है। अभी गंगा बोल रही है मैं तुम्हारा खाना खत्म कर देती हूँ, डोंट वरी, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। कर देती। हाँ, ऐसा नहीं है, वो एक दो दिन खाना वगैरह नहीं खाएगी, नया लगेगा कम तो खाया है। आ, गंगा खाएगा खाइए टीलू। और हमें टीलू की याद भी आती रहेगी, टीलू नाम रख दिया था। और टीलू हमने वस्ता भाई के भाई को दी है फ्री में, पहले वस्ता भाई को देनी थी, लेकिन फिर वस्ता भाई यहाँ पे होते हैं पूरा दिन, तो वस्ता भाई ने बोला कि मेरे यहाँ इसको बांधने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, मेरे भाई के वहाँ है तो आप वहाँ पे दे सकते हो, और वहाँ से इन लोगों को दूध सबको मिलता है, वस्ता भाई के बच्चों को, वस्ता भाई को दूध छाछ सब मिलता है। उसकी फोटो भी सेंड करेंगे, हम देखने जाएंगे भीम और टीलू दोनों।
ये हमारी मेरी गाय आपको अच्छे से दिखेगी यहाँ घूमती हुई, और वहाँ पीछे 3 CCTV कैमरा लगाए हुए। इसमें क्या पता है, कोई नई बहू नहीं आती और पीछे जो डिसीजन वाले लोग होते हैं, हाँ, वो 3 वहाँ पे उसको कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मीना को रिपोर्ट करना होता है, हाँ, कि क्या नया चल रहा है, क्या होने वाला है, शायद ये हमारे बारे में आएगी गाय। तो अभी से इसको कैसे कंट्रोल में रखना है, क्योंकि तुलसी ने क्या किया कि मीना से टक्कर लेके मीना की बराबरी ऑलमोस्ट करने की कोशिश कर ली है। तो मीना उसको मतलब ज्यादा वो नहीं करती, जब बहुत गुस्से में होती है तो फाइटिंग तुलसी को पीछे हट कर लेना है, क्योंकि जब बहुत गुस्से में होती है तो आभा को भी मारती है, अपनी बेटी को भी बहुत मारती है। उस दिन मारा था, गिरा दिया था, व्यवस्था में बोल रहे थे हम लोग थे नहीं, तो आभा बंधी हुई थी, मीरा भी बंधी हुई थी, लेकिन मीरा की वो पिन होती है वो निकल गई, और क्या पता नहीं उसको गुस्सा हुआ और आभा को लेटा दिया पूरा, और आभा के ऊपर चढ़ गई 2 पैर लगा के। लेकिन वो वस्ता भाई ने पूरी स्टोरी मुझे बताई, हम लोग थे नहीं तो शूट नहीं कर पाए, आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे, लेकिन फाइट होती है इनकी बहुत। लेकिन वो सारी आंटियां नहीं कि मेरा रख के देखती है पूरा नई बहू के लिए, वैसा है अभी वो 3 आंटियां वहां से देख रही है। थोड़ा सा इधर आ जाओ, तुम खुली हो, पी लो, अभी यूज होगी जैसे बुलाने पे आएगी। आए घोड़ी है, घोड़ी के पास हमारी बड़ी गाय है यहाँ पे, और फिर मकड़ी लास्ट में पूरा पापा इसको खाना दे रहे हैं यहाँ से। सी उठ गया अभी ऑलरेडी, और सी खेल रहे, सीव सीव गया अभी, और सेव को भी खाना खिलाती हूँ, फिर निकलाती हूँ, फिर थोड़ी देर में वापस हो जाएगा। ज़्यादा बारिश दिख रही है, शायद वो अभी यहाँ पे आ जाए, और टीलो अभी धीरे धीरे देखो सभी जगह यूज टू हो रही है, खा रही है। तो ये बारिश जो यहाँ से दिख रही है ना, वो ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। पोरबंदर में बहुत ज़्यादा बारिश, और पोरबंदर के आगे सभी गांवों में। और यहाँ भी आएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि हवा उसकी तरफ चल रही है, जब बारिश की ओर हवा जाती है ना तो बारिश सामने आती है। हमारी बहन यहाँ पे बना रहे हैं रोटला, मैंने अंदर रोटी बना ली है, यहाँ पे रोटला बना रहे हैं, और फिर अभी सब लोग खाएंगे। अभी पूरा वेदर जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा हो गया है कि
बारिश जहाँ पे अभी गिर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा गिर रही है। और अभी ओम शिव का सोने का टाइम हो गया तो मैं शिव को सुला देती हूँ। हमारी थार है तो कुछ टेंशन नहीं है ओम को लेने जाने में, बारिश कितनी भी आ जाए रास्ते में। और वस्ता भाई अभी ग्रास लेके आ रहे हैं बारिश आ जाए इससे पहले। आज पीलो हारू नव खड़ रूपा रो बैठ के नो स्पेशल नहीं स्पेशल तीलू के लिए तीलू रखे देते तीलू रख दिया उसका नाम क्योंकि सेम सेम तीलू जैसा टीला है इसको भी और रख लिया पास शिव को भी सो जाना है तारुक न होवे जाओ हम थोड़ा सा देरी से सुलाए ना फिर ओम आएगा तब उठेगा 2 बजे 12 से 2। तो जो हमें दूर दूर बारिश दिख रही थी वो फाइनली यहाँ पे पहुंच आई है, हमें दिख रही है जो बहुत दूर थी अभी वो यहाँ पे है दूर बारिश। मम्मी पापा उस साइड में है अभी। देखो इतनी ज्यादा बारिश आ गई, देखो 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 आज जोर से आई है बारिश, जोर से अच्छा लग रहा था कि बारिश आ गई है मतलब कुछ के घर से, लेकिन ये बारिश आई है थोड़ी जगह से तो पानी पानी कर दिया ये भाषा में है।